वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल। आज मैं पूरा करूंगा आपसे किया हुआ एक वादा और दिखाऊंगा आपको एक नया प्लांट जिसका नाम है श्रिंकिंग वायलेट। इस प्लांट की खासियत आप खुद ही देख लीजिएगा, कैसे ये ज़ॉम्बीज़ को इतना छोटा कर देता है, एकदम छोटा बच्चा बना देता है और हमारे प्लांट इनको मार देते हैं बड़ी आसानी से। तो देख सकते हैं आप, ये सिंकिंग वायलेट आसपास के दो लेन को भी कवर करता है, तो ये दोनों लेन के ज़ॉम्बीज़ को छोटा कर देता है, श्रिंक कर देता है। अब मैं आपको दो श्रिंकिंग वायलेट लगा के दिखाऊंगा और इन सारे ज़ॉम्बीज़ को छोटा करके दिखाऊंगा। देखिए कैसे ये पूरी की पूरी पांचों लेन के सारे ज़ॉम्बीज़ को छोटा बना दिया है। ओ माय गॉड, ये बड़ा सा ज़ॉम्बी आ रहा है। अब मैं लेकिन आपको दिखाऊंगा एक नए प्लांट का कमाल जिसका नाम है स्टालिया। ये स्टालिया क्या करता है, परफ्यूम छोड़ के ज़ॉम्बीज़ को स्टाल कर देता है, मीन्स थोड़ी देर के लिए स्लो कर देता है। और ये कर्नल पुल का तो बटर का कमाल से तो मैं फ़ैन हो गया हूँ, ये ज़ॉम्बीज़ को वहीं रोक ही देता है। और कई सारे प्लांट मेरे पास हैं लगाने के लिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मेरे श्रिंकिंग वायलेट के कमाल ने सारे ज़ॉम्बीज़ को छोटा कर करके समय से पहले ही मार लिया था, इसलिए मुझे कई सारे प्लांट्स लगाने ही नहीं पड़े। दिखाता हूँ मैं कमाल बिना श्रिंकिंग वायलेट का यूज़ करे बड़े से ज़ॉम्बी को कैसे मारूँगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं इस लाइन में। तो इस ज़ॉम्बी को मैं रोक के रखता हूँ थोड़ी देर के लिए, ऊपर के ज़ॉम्बीज़ को मारता हूँ श्रिंकिंग वायलेट का यूज़ कर करके, लेकिन मुझे पावर अप करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ दो दो आ रहे थे। और ये लेन क्लियर हो गई है, ऊपर का लेन बची है और यहाँ पर मैं सारे प्लांट लगा देता हूँ, जिससे कि ये बड़े वाले ज़ॉम्बी को बिना श्रिंकिंग वायलेट के यूज़ करे ही मारा जा सके। ये लेकिन ये ऊपर काफ़ी आगे आ चुका है, मर गया लेकिन। तो ये केवल एक ज़ॉम्बी बचा है बड़ा सा, जिसका खात्मा ये मेरे प्रेजेंट प्लांट ही कर देंगे, लेकिन मैंने श्रिंकिंग वायलेट लगा ही दिया। देखते हैं क्या होता है इस गेम में, श्रिंकिंग वायलेट अपना कमाल दिखाता है या ज़ॉम्बी पहले ही ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों जीत गया मैं गेम। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।